और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार भी थी, उनका इलाज भी चल रहा था। ये बड़ी खबर आ रही है। लंबे समय से बीमार चल रही थी शीला दीक्षित, उनका निधन हो गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन हो गया है। कद्दावर नेता कांग्रेस की रही, वरिष्ठ नेता कांग्रेस की रही, अच्छी पकड़ पार्टी के भीतर, और इस बार किस तरह से उन्हें कमान सौंपी गई थी वो भी हमने देखा। विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी है? देखिए, 81 वर्ष की आयु में शीला दीक्षित का निधन हो गया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और बताया कि निजी अस्पताल में भर्ती थी। पिछले लंबे समय से शीला दीक्षित बीमार चल रही थी और आज उनका निधन हो गया है। शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं में से उनकी गिनती हुआ करती थी। अब कांग्रेस के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनमें शोक की लहर दिखाई पड़ रही है और शीला दीक्षित फिलहाल यहाँ पर एक निजी अस्पताल में भर्ती थी जहाँ पर उनका निधन हुआ है और शीला दीक्षित के परिवार के आधे सदस्य इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। पयोधी, बिल्कुल विशाल, और ये एक बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसे समय में जब अभी नई जिम्मेदारी भी शीला दीक्षित को दी गई थी ऐसे में, और अभी क्योंकि जिस तरह से खबर आई है हाल ही में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी क्योंकि अभी चुनाव तक भी बेहद सक्रिय रही है शीला दीक्षित। बिल्कुल, शीला दीक्षित इस चुनाव में भी काफी सक्रिय थी। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उसमें उन्हें गठबंधन से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया गया था। तो शीला दीक्षित काफी एक्टिव पॉलिटिक्स में हमेशा से रही हैं। दिल्ली में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दिल्ली को बदलने का उन्हें बार बार श्रेय दिया जाता है कि दिल्ली की तस्वीर शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में बदली। तो जो उनका काम करने का अनुभव था या जो उनका काम करने का तरीका था उसे लोग बहुत ज्यादा याद करते हैं। और अभी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही शीला दीक्षित की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गई थी और आज अभी सबसे थोड़ी देर पहले ही 81 साल की अवस्था में शीला दीक्षित का निधन हो गया। पयोधी, बिल्कुल विशाल, अभी कांग्रेस के कौन से बड़े नेता हैं जो पहुंचे हैं, कोई ऐसी जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना आई है तो जिन लोगों की सूचना मिल रही है वो धीरे धीरे अस्पताल की ओर बढ़ रहे हैं। अस्पताल से हो सकता है कि उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के उनके आवास पर लेकर आया जाए, वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी या जो कांग्रेस के और दूसरे वरिष्ठ नेता हैं जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हो सकते हैं वो वहां पर शीला दीक्षित के घर जा सकते हैं, अस्पताल में पहुंच सकते हैं। लेकिन सूचना अभी थोड़ी देर पहले आई है तो जिसको भी सूचना मिल रही है वो अस्पताल या घर की तरफ जा रहा है। पयोधी, ब्रह्म प्रकाश दुबे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप बने रहिएगा विशाल हमारे साथ। ब्रह्म प्रकाश, आपके पास क्या जानकारी है पहले वो साझा करें। पयोधी, देखिए अभी अभी जानकारी मिली है हमें भी कांग्रेस नेताओं के जरिए ही, और नरसंहार के खिलाफ डेमोक्रेटिक तरीके से अगर किसी ने एहतजाज किया है या डेमोक्रेटिक। ब्रह्म प्रकाश, आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल पयोधी, मैं कह रहा था कि अभी कांग्रेस के नेताओं से जिनके जरिए भी बात हो रही है सब बिल्कुल एक तरह से कहें कि भौचक्का है, आश्चर्य में है और सबको एक धक्का सा लग रहा है क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि शीला दीक्षित का इस तरह से अस्मय जाना होगा क्योंकि वो उनकी सेहत भी ठीक ठाक थी। मैं आपको ये भी बता दूं पयोधी कि अभी तकरीबन 1.5 महीने पहले ही मैं अपने ऑफिस के इंटरव्यू के लिहाज से भी कुछ मिला था उनसे, शीला दीक्षित से तब भी बात हुई थी और वो अपने हेल्थ को लेकर तो कह रही थी लेकिन वो नियमित वॉक करती थी और अच्छी खासी स्वस्थ थी और उनकी सेहत ठीक नजर आ रही थी। तो जिस तरह से जानकारी आई है अभी कुछ देर पहले ये जानकारी मिली है पयोधी, ज्यादा जानकारी आना बाकी है लेकिन सबसे बड़ा यही कहें कि दिल्ली में चूंकि 15 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं, दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है, देखिए 15 साल राज करना कोई आसान नहीं होता है और जो एक बड़ा पार्टी का कैडर है वो भी उनसे जुड़ा रहा है, लिहाजा इस खबर ने सभी को चौंका दिया है। अभी ईस्ट निजामुद्दीन में वो रहती हैं जहां पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा लेकिन अभी तो जितने भी कांग्रेस नेताओं से बात हो रही है सब हक्के बक्के हैं, भौचक्के हैं, आश्चर्य में हैं कि आखिर ये सब, क्योंकि ब्रह्म प्रकाश कहा जाता है सोनिया गांधी के बेहद करीबी थी और अगर हम एक जनरेशन की बात करें तो सोनिया गांधी की साथी रही हैं, उनकी दोस्त भी वो रही हैं और कदम कदम पर न केवल राजनीतिक रूप से, ये भी कहा गया कि उनके निजी जीवन में भी काफी उनका साथ दिया सोनिया गांधी का, तो एक बड़ी क्षति एक दोस्त के तौर पर भी सोनिया गांधी के लिए यहां पर हुई।
देखिए पयोधी, जहां तक सोनिया गांधी के साथ उनका रिश्ता है, तो आप जिस दौर में सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी खत्म हुए थे, तो शीला दीक्षित ही वही शख्सियत थी जो 10 जनपद पर जाकर उनको उनके साथ रोजाना जाती थी, उनको कहें कि भावनात्मक सपोर्ट किया सोनिया गांधी को, उनको चाय साथ में उनके बैठकर चाय पीने से लेकर खाना खाने, साथ में खाना खिलाने और खाने तक का सारा काम, तो लंबा रिश्ता रहा है 10 जनपद से भी शीला का। और देखिए 4 दशक से ज्यादा की राजनीति उन्होंने कांग्रेस की है, तो एक भावनात्मक लगाव 10 जनपद से हमेशा रहा है। उनको राहुल गांधी के साथ उनके रिश्तों को देख लीजिए, उनसे प्रियंका वाड्रा के साथ उनको रिश्तों को लेकर परिवार के तहत उनको सम्मान मिलता था 10 जनपद से भी। और कोई भी कांग्रेसी, देखिए मैंने 10 से 12 साल दिल्ली सरकार का वर्क किया है जब वो मुख्यमंत्री थी, तो जो उनका नेचर था वो एक ऐसा नेचर था कि आप एक नेता की तरह उनका व्यवहार नहीं होता था। जब भी मीडिया कर्मियों से ही बात करती थी, रिपोर्टर्स तो बेटा कह के बात करती थी, जब नाराज हल्के से नाराज हो जाती थी कुछ देर के लिए फिर बात करने लगती, तो उनका स्वभाव ऐसा था कि हार्टी जो पॉलिटिशियन होता है और एक सुलझा हुआ इंसान होता है, इस तरह का स्वभाव था। मैं आपको बता दूं पयोधी की, हम जब 8 से 10 साल दिल्ली सरकार का वक्त, तो हम दिन में 3 से 4 बार कई बार शीला दीक्षित को बीच में रोककर उनसे बाइक लिया करते थे, कभी उन्होंने कोई इस तरह की हम लोगों से शिकायत नहीं की कि आप लोग बार बार हम लोग करते, तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था। और आप देखिए दिल्ली का बच्चा, एक बच्चा जब पैदा होता है उस बालिग होने तक 18 साल, और 18 साल में से 15 साल दिल्ली में उन्होंने राज किया। मैं आऊंगी आपके पास, अरुण यूसुफ भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता। अरुण यूसुफ, एक बहुत बड़ी क्षति ऐसे समय पर जब शीला दीक्षित इस वक्त बहुत मजबूती से दिल्ली में खासतौर पर संगठन को संभाल रही थी। देखिए इससे ज्यादा दुख की बात दिल्ली वालों के लिए नहीं और कांग्रेस के लिए, सारी दिल्ली के लिए आज बड़ा दुख का दिन है, क्योंकि शीला जी एक वो चेहरा थी जिन्होंने दिल्ली को संवारा और निखारा था। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के को सजाने में, बनाने में, दिल्ली के विकास में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, मैं समझता हूँ उसकी बहुत कम मिसालें मिलती हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि मेरा मुझे मौका मिला उनके साथ तकरीबन 13 साल काम करने का, और जिस तरीके से वो हर चीज को गहराई से सोचती थी, जिस तरीके से हम लोगों को समझाती थी, और मेरे 13 साल के कार्यकाल में जब मंत्री था उनसे बहुत बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और किस तरीके से प्रदेश की प्रगति होती है, किस तरीके से किस सोच के साथ जो है दिल्ली को डेवलप किया जाए, ये उनसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं जानता था। और मैं समझता हूँ आज तमाम दिल्ली के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, आज सभी बेहद दुख में हैं, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह उनको आत्मा को शांति दे, और हम सब को जो रास्ता उन्होंने दिखाया था हम उसको आगे लेकर बढ़े। हारून यूसुफ, आपसे और भी बहुत सारी बातें हम जानना चाहेंगे उनके बारे में, क्योंकि ये कहा जाता है कि उन्होंने कभी भेदभाव भी नहीं किया, वो कभी पार्शियल नहीं थी, और जब वो मुख्यमंत्री थी उस दौरान भी वो चाहे कार्यकर्ता हो फिर चाहे नेता हो, उनका अपना मंत्रिमंडल ही क्यों ना हो, उन्होंने सबकी बातों को सुना है। आपका कोई अनुभव है जो आप साझा करना चाहेंगे? उनकी सबसे बड़ी जो बात थी वो खाली अपनी बात नहीं कहती थी, वो सुनती भी थी, और कोई भी बात जब फाइनल निर्णय लेती थी तो पूरा मौका देती थी हमको अपनी बात रखने का, और उसके बाद जो है जो फैसला लेती थी वो दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली किस तरह संवारी जाए, दिल्ली किस तरह बसाई जाए, इस तरीके से डेवलपमेंट हो, ये तमाम चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा करती थी। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा सदमा है, एक बड़ा लॉस है लोगों का। और अभी क्योंकि दिल्ली की अगर मैं बात करूं हारून यूसुफ, तो एक मजबूत नेता के तौर पर वो यहाँ थी कि भाई एक परिपक्व नेता हैं और उन्हें पता है कि कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को वापस कैसे हासिल करना है अगर राजनीतिक तौर पर बात की जाए, तो वो पूरी जो रणनीति वो बना रही थी, राहुल गांधी बेफिक्र थे कि शीला दीक्षित अभी उनके साथ बैठी है, ये एक बड़ी क्षति है यहाँ पर। देखिए शीला जी का जो अनुभव था संगठन के मामले में, क्योंकि दिल्ली में जब 98 में वो प्रदेश की अध्यक्ष बनी थी,
और यूपी से आई थी, उसके बाद भी दिल्ली में अपने आप को ऐसा समा लिया उन्होंने कि दिल्ली का बच्चा बच्चा उनको जो है प्यार करता था, दिल्ली का बच्चा बच्चा उनकी प्रशंसा करता था। मुझे याद है स्कूल के अंदर उन्होंने इको क्लब बनाए थे और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया था, और पानी बचाने के लिए उन्होंने एक सेव वाटर कैंपेन शुरू किया था, और उसका इतना असर हुआ कि बच्चे अपने माँ बाप को कहते थे कि आप जो है पानी को वेस्ट ना करें, ब्रश जब करें तो डोंगे में पानी लेके जो है मग में पानी लेके उसका इस्तेमाल करें। तो वो तमाम बातें आज जहन के सतह पर तैर रही हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा एक गहरा ताल्लुक एक गहरा रिश्ता उनसे रहा है, और तमाम लोग जो हैं उनको आने वाले समय में बहुत मिस करेंगे, बहुत याद रखेंगे, और जो जिस तरीके से उनकी सोच थी उस सोच को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और ये कोई नहीं भूल सकता कि पहली महिला रही जब 3 बार कोई महिला मुख्यमंत्री रही, वो भी राजधानी को उन्होंने संभाला किस तरह से। तो ये जाहिर सी बात है कि वो लोकप्रिय नेता रही हैं, लेकिन अभी आप कोई ऐसी याद उनके साथ साझा करना चाहते हैं एक नेता के तौर पर भी कि उन्होंने आपको जब किसी बात को लेकर समझाया हो या संगठन के लिए कोई उन्होंने कोई बड़ा फैसला किया हो जिससे एकदम से बूस्टअप हो गए हो कार्यकर्ता, कोई ऐसी उनकी बात है जो आप साझा करना चाहते हैं? देखिए मुझे याद है जब दिल्ली में ब्लू लाइन से बहुत हादसे हो रहे थे, तो एक दिन उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा कि किसी भी तरीके से दिल्ली के लोगों से इसे निजात दिलवाइए और हम सब मिलकर कोई नई तरह की परिवहन व्यवस्था दिल्ली के अंदर स्थापित करेंगे। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, आपको याद होगा उस समय जो हरी और लाल बसेज आई थी, एसी बसेज और नॉन एसी बसेज, मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से कलर स्कीम के लिए और जो इंजन पीछे किया गया था ताकि ड्राइवर जो है और पैसेंजर जो है वो हीट उनको ना लगे, इतनी गहराई से छोटी छोटी बातों को सोचती थी, और उन्होंने उस सपने को पूरा करके दिखाया दिल्ली वालों के लिए। हरी बसेज हो, लाल बसेज हो, ब्लू लाइन को हटाने में जिस दृढ़ता से उन्होंने काम किया, इसी तरीके से केरोसिन फ्री दिल्ली की जब बात हमने की तो शीला जी ने प्रणब मुखर्जी जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, ड्यूएम बनवाई ताकि झुके हुए रहने वाले लोग मट्टी के तेल की वजह से झुकिया खाक हो जाती थी। तो ये तय किया जो लो पॉवर्टी लाइन के कार्ड होल्डर्स है उन सबको चूल्हा और सिलेंडर सरकार की तरफ से देंगे, और तमाम बीपीएल कार्डधारियों को दिया गया, उसके बाद दिल्ली से केरोसिन खत्म कर दिया गया, इस तरह की सोच उनकी थी। और अगर गांधी परिवार से नजदीकी की बात कही जाए तो वो तो जग जाहिर है, ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक बैकबोन की तरह सपोर्ट किया उन्होंने सोनिया गांधी को भी एक दोस्त बनकर, और राहुल गांधी के लिए भी वो खड़ी रही हर मौके पर। तो एक अगर सिर्फ एक परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार के लिए भी बहुत बड़ी क्षति होगी गांधी परिवार के लिए खासतौर पर। बिल्कुल, क्योंकि गांधी परिवार से जो उनकी नजदीकी थी और तमाम लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, राहुल जी खासतौर से, कभी भी कितनी भी लोग हो वहां पर, लेकिन सबसे पहले वो शीला जी के पास जाके उन्हें गले लगाया करते थे, ये उनके लिए प्यार और उनके सम्मान था राहुल जी के दिल में। और मैं समझता हूँ कि ये कमी को पूर्ण करना बहुत समय लगेगा इसको। थैंक यू, शुक्रिया आपका हारून यूसुफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो यादें साझा करने के लिए। हालांकि बहुत कठिन वक्त भी है शीला दीक्षित के परिवार के लिए भी और साथ ही पूरी पार्टी के लिए, संगठन के लिए और दिल्ली वासियों के लिए भी, क्योंकि कितने सालों तक उन्होंने दिल्ली की जनता की सेवा की है और 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रही। 2013 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे उसके बाद, लेकिन दिल्ली वासियों के मन में हमेशा शीला दीक्षित रही, उनके काम रहे, और यही कारण है कि इस उम्र में भी कांग्रेस ने एक मजबूत नेता के तौर पर उन्हें संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आगे रखा। हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे, फौरन लौटेंगे हर एक अपडेट के साथ। राज की बहुत ही दुखद खबर, शीला दीक्षित अब हमारे बीच नहीं रही हैं। 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और आज दिल का दौरा पड़ने की वजह से
एस्कॉर्ट्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। तीन बार उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी दिल्ली में और उन्हें विकास का चेहरा माना जाता है। समन्वयवादी राजनीति के चेहरे के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो ये दुखद खबर कि अब शीला दीक्षित हमारे बीच नहीं रही हैं। 1998 से लेकर 2013 तक उन्होंने दिल्ली की बागडोर अपने हाथों में संभाली और उसके बाद 2014 में केरल की राज्यपाल उन्हें बनाया गया था। बहुत ही लंबा उनका ये राजनीतिक सफर रहा है और निधन से कुछ दिन पहले तक भी बहुत ही सक्रिय रही वो, क्योंकि अभी उन्हें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हाल ही में सौंपी गई थी। हालांकि कुछ अनबन की खबरें भी बीच में आती रहीं। दिल्ली में काफी कुछ जो वहां कांग्रेस के प्रभारी हैं दिल्ली में पीसी चाकू और उनके बीच कुछ अनबन की खबरें जरूर आई थीं, लेकिन बहुत ही सक्रिय रहीं वो राजनीति में। और इस बार के अब जब विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, तो ये बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए। और नेहरू गांधी परिवार के बहुत ही करीबी रही हैं शीला दीक्षित, ये नेहरू गांधी परिवार के लिए भी बहुत ही बड़ी क्षति, बहुत ही बड़ा नुकसान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत ही दुखद खबर। विकास के चेहरे के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, काफी दिनों से बीमार जरूर थी लेकिन राजनीति में काफी सक्रिय, और अब उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, दिल्ली की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो संभाल रही थी। नहीं, बहुत तकलीफ है और बहुत दुख हुआ हमको, और हमें इस बात की और भी ज्यादा तकलीफ है कि हम इस समय दिल्ली से बाहर हैं किसी कार्यक्रम के लिए और इस समय हमें ये दुखद समाचार मिला है। पता नहीं कि उनके अंतिम दर्शन भी अभी हमको करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 15 वर्ष वो जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रही तो मैं दिल्ली विधानसभा में लगातार उस पीरियड में विधायक रहा। हम लोग उनका पुरजोर विरोध भी करते थे, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में भी अपोजिशन व्यक्त करते थे, लेकिन उस सबके बावजूद भी उनकी शालीनता और उनकी व्यवहार कुशलता के कारण उनका बहुत आदर भी करते थे। अभी कुछ ही समय पहले, तो कुछ ही महीनों पहले मेरे बेटी के विवाह पर भी वो मेरे घर आई थी और हमें इस बात की तकलीफ है कि शायद हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो हम लोगों के बीच से चली जाएंगी। ये तो किसी को कल्पना नहीं थी। और अभी तो वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही थी, उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। चाहे हम दूसरी पार्टी में हैं लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके जाने की तकलीफ होगी, मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों को भी उससे कम नहीं है, हमें भी बराबर तकलीफ महसूस हो रही है। मैं दिल्ली की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने दिल्ली की जनता की काफी पुरजोर सेवा की मुख्यमंत्री के रूप में, और अपनी ओर से अपनी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से उनकी पवित्र नीति को मैं नमन करना चाहता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें वो अपने चरणों में स्थान दें। जी डॉक्टर हर्षवर्धन, और 15 साल का जो वक्त होता है बहुत लंबा होता है और ऐसे कई विकास कार्य हुए जो कि उन्हीं की ही देन माने जाते हैं, चाहे वो मेट्रो का विस्तार हो दिल्ली में या फिर बारापुला जैसे जो ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर खासी जो पहल की गई थी वो शीला दीक्षित की तरफ से ही की गई थी, इसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन काफी वक्त आपने उनके साथ गुजारा होगा, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अनुभव जो आज आप अब हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए, मैंने जैसा कहा कि उस 15 साल में बहुत सारे विषय ऐसे किया है। एज एमएलए उनके साथ गुजारा है क्या? कैसा? बड़ा बड़ा दुख है। और शीला जी हमारी बुजुर्ग नेता थी, हमारी माँ की तरह थी। इतने साल दिल्ली में 15 साल उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर रहीं। इस एज में उन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट को संभाला, लड़ाई लड़ी। अब ऐसा लगा है कि एक बहुत बड़ा हम लोगों को धक्का लगा, इतनी महान नेता हमारे बीच से गई है। बस मैं यही कह सकता हूं कि हम सारे दिल्ली के कांग्रेसी नेता हों या कार्यकर्ता हों, सब दुख में हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे भी दुख है और सारी कांग्रेस, दिल्ली की जो कांग्रेस है उसे दुख है कि इतनी सेवा करने वाली, राजीव जी के साथ उन्होंने काम किया, इंदिरा जी के साथ उन्होंने काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया, मनमोहन जी के साथ काम किया, राहुल जी के साथ काम किया,
एक एक्सपीरियंस उनको था और बड़ा अफसोस है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। थैंक यू। तो देखिए इसी रूप में उन्हें याद किया जा रहा है कि दिल्ली के लोगों की उन्होंने बहुत सेवा की। 15 साल का जो वक्त होता है बहुत लंबा होता है और अधिकतर जो वक्त है शीला दीक्षित ने दिल्ली में ही गुजारा। 15 साल पहले मुख्यमंत्री के रूप में और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अभी अभी उन्हें सौंपी गई। हालांकि अभी वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से जरूर चुनाव लड़ी थी और वो हार गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है दिल्ली में और उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी गई थी कि अब वो किसी तरह से पार्टी को सशक्त करें। और खास तौर पर राहुल गांधी के अध्यक्ष तौर पर इस्तीफा देने के बाद अब यह जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी शीला दीक्षित के लिए। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पयोधी भी जुड़ चुकी हैं। पयोधी, कुछ अपडेट आपके पास, कुछ जानकारी मिल पा रही है? एस्कॉर्ट्स अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, अब कब अंतिम संस्कार किया जाएगा, कौन कौन से नेता हैं जो पहुंच रहे हैं उनके घर पर, कुछ जानकारी इसको लेकर? अभी तो देखिए क्योंकि अस्पताल में थोड़ी देर पहले खबर आई है उनके निधन की, तो जाहिर तौर पर उनके परिवार वाले संदीप दीक्षित उनके बेटे वहां पर मौजूद हैं और जो कांग्रेस के लीडर्स हैं कार्यकर्ता आप सोचिए वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं अस्पताल के बाहर ही, क्योंकि शीला दीक्षित का जो कद है वो हम सब जानते हैं। हमने देखा है उन्हें किस तरह से मुख्यमंत्री का जो उन्होंने ये कहूं किरदार निभाया 15 साल तक, सबकी वो चहेती बनी। और आप ये सोचिए मीमांसा, ये इसलिए शॉकिंग है आपके लिए भी हमारे लिए भी क्योंकि अभी 3 दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस की मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ शीला दीक्षित के जो खिलाफ ही राहुल गांधी से भले ही शिकायत की गई हो, लेकिन उनका कद आप इस हिसाब से समझिए कि पीसी चाको की बात आप कर रही थी, अरविंद केजरीवाल से गठबंधन को ना करने को लेकर वो अड़ी रही। इस उम्र में इतना सक्रिय होना और उनका कद, उनकी बात का वजन पार्टी में इस बात से समझा जा सकता है। अजय माकन एक तरफ पैरवी कर रहे थे राहुल गांधी के सामने पीसी चाको के साथ में लीडरशिप के रूप में, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हुए भी वो हमेशा जो है वो लोगों के सरोकार के प्रति, लोगों के समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है। आज उनका निधन निश्चित तौर से जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी क्षति है जो कि अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और मैं दुआ करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो मुख्तार अब्बास नफी को आप सुन रहे थे और अक्रॉस द पार्टी लाइंस, और ये बात जो है वो सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं इस बात को मान रहे हैं। आप मिलने भी गए थे, क्या कहना चाहिए? मैं बिल्कुल अचंभित हूं, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शीला जी नहीं रही। अभी मैं रास्ते में था, मैं जा रहा था, आज हम लोगों की बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए थे दिल्ली में सदस्यता अभियान के सार्वजनिक कार्यक्रम, और मैं आईटीओ तक पहुंचा था तब तक मुझे समाचार आया और मैंने तुरंत पार्टी को बात किया। पार्टी ने डिसाइड किया सारे कार्यक्रम हम लोग उसको स्थगित कर देते हैं। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सूचना दी। शीला जी अरे परसों तक वो परसों मैं उनके साथ था आधा घंटा। शी वॉज वेरी एक्टिव, इट्स वेरी रियली वेरी वेरी सैड न्यूज। यस सो टिल हर लास्ट ब्रेथ शी फॉट वाज एन अनएक्सपेक्टेड इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही शॉकिंग और सब अचंभित हैं ये जानकर कि अब शीला दीक्षित हमारे बीच नहीं रही हैं। और इस बीच ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, हर कोई ये कह रहा है ये जो खबर है इसको पचा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही शॉकिंग ये खबर। कुछ दिनों से बीमार जरूर चल रही थी, लेकिन जैसे यहां बता रहे थे अहमद पटेल भी कह रहे थे कि परसों ही मिला था, बैठकों का दौर भी जारी था, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी संभाल रही थीं, और इस बीच अचानक से उनका इस तरह से जाना, ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई होना बहुत ही मुश्किल है। भ्रम
बिल्कुल मंशा, आपने सही कहा, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से जब मैंने सुना इस खबर को तो मैं भी बहुत भौचक्का रह गया, क्योंकि मीमांशा मैंने 10 साल तक जब वो 15 साल मुख्यमंत्री रही, 10 साल तक मुझे दिल्ली सरकार कवर करने का मौका मिला। रोजाना जब भी हम सचिवालय पहुंचते थे उनसे इंटरेक्शन होता था, दिन में तीन तीन चार चार बार हम उनसे बात करते थे, कहीं भी रास्ते राय में चलते माइक लगा देते थे। और मीमांशा मैं आपको बता दूं कि शीला दीक्षित एक ऐसी शख्सियत थी, जब भी हम कोई सरकार के खिलाफ खबर करते थे वो एक दिन के लिए नाराज हो जाती थी और फिर दूसरे दिन प्यार से बात करने लगती थी। कई मुझे ऐसे इंसिडेंट्स याद हैं कि जब मैंने उनके सरकार के खिलाफ कोई स्टोरी की उस दिन नाराज हुई, लेकिन शीला दीक्षित अगले ही दिन खुश होकर बात करती थी। अब विधानसभा में जब लंच होता था तो कई बार प्लेट लेकर देती थी और ये कहती थी कई कि बेटा फ्रूट खा लो, ये तो इस तरह के मुझे कई इंसिडेंट्स याद हैं, क्योंकि 10 साल में लगातार उनसे इंटरेक्शन होता रहा। और मैं आपको मीमांशा बता दूं, जिस तरह की वो डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी थी, दिल्ली सचिवालय में एक बार किसी अधिकारी ने थर्ड फ्लोर पर जहां मुख्यमंत्री बैठती थी एक नोटिस लगा दिया था कि मीडिया थर्ड फ्लोर पर, कैमरे अलाउ नहीं है। मीडिया कर्मी जब धरने पर बैठे तो शीला दीक्षित ने पूरी कैबिनेट के साथ पत्रकारों को अगले ही दिन बुलाया, बोले आमने सामने बैठकर हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे के मुद्दे निपटाते हैं, और वो पूरी कैबिनेट के साथ लेकर बैठी दिल्ली सचिवालय में, सारे मीडिया वालों को बुलाया और फिर से थर्ड फ्लोर पर कैमरे की एंट्री शुरू हुई। उन्होंने कहा मेरी तरफ से कोई ऐसे आदेश नहीं थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह का उनका डेमोक्रेटिक व्यवहार था, किस तरह से वो मीडिया की भी इज्जत करती थी, चौथे स्तंभ की भी इज्जत करती थी। देखिए 15 साल एक राज्य का मुख्यमंत्री रहना, दिल्ली जैसी जगह का मुख्यमंत्री रहना एक बड़ी बात होती है, एक पूरी पीढ़ी की पीढ़ी जवान होती है, और जो दिल्ली के जितने लोग हैं आप देखिए कि सारे लोग शीला दीक्षित से कहीं ना कहीं दिल्ली का जो स्वरूप बदला है। मीमांशा आप देखिए जब ब्लू लाइन बसें चलती थी क्या दिल्ली की क्या तस्वीर होती थी, ब्लू लाइन बसों को हटाकर नई बसें लाना, एक तरह से दिल्ली को फ्लाईओवर देना, और आप देखिए बीते 10-12 साल में बिल्कुल, और ब्रह्म आप तो देखते रहे हैं जिस तरह से ये मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार हुआ या फिर बारापुला जैसे जो बड़े रोड नेटवर्क हैं, ये उन्हीं के देन माने जाते हैं। और दिल्ली में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा ब्रह्म जो शीला दीक्षित जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दिल्ली के स्वरूप को बदलने में जो उनका रोल रहा है, उनकी भूमिका रही है, एक नया चेहरा जो दिल्ली का देखा है, तो उसमें शीला दीक्षित हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनका नाम दर्ज रहेगा। मीमांशा देखिए मुझे जब कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां कर रही थी, मुझे याद है कई बार मैं उनके साथ सुबह सुबह जब दौरे पर करने जाती थी, जल्दी काम चूंकि निपटाना था, चाहे बारापुला की बात करें, मुझे याद है मैं कई बार उनके साथ दौरे पर गया कि वो किस तरह से सुबह सुबह 6 बजे जब कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे तो एक मिनी बस ली थी और सारे अधिकारियों को उस मिनी बस में बैठा के और मीडिया कर्मियों को लेकर पूरा चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली और जहां जहां काम चल रहे थे, सड़क का, फुटपाथ का, फ्लाईओवर का, वो खुद जाके अधिकारियों के साथ चक्कर लगाती थी और सुबह 6 बजे से निकल जाती थी। तो ये देखिए ये शख्सियत थी कि खुद व्यक्तिगत तौर पर आप देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज जब तैयार हो रहा था, सारी इस बात को लेकर अटकलें लग रही थी कि ये देरी हो जाएगी, गेम्स नहीं हो पाएंगे, तो शीला दीक्षित खुद मौके पर जाकर मौजूद रहती थी, सुबह से वहां पर पहुंच जाती थी, काम की निगरानी करती थी। इस तरह का उनका व्यक्तित्व, मेहनत करने का इस तरह का उनका स्वभाव था। और जैसा मैंने आपको बताया मीमांशा के 8 से 10 साल बहुत करीब से हमने देखा है, रोजाना उनसे हर दिन जब भी सचिवालय जाते थे तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि दिन में 3 से 4 बार हम लोग माइक लगाकर उनसे बाइट नहीं लेते हैं, कभी इस तरह से कोई नाराज नहीं होती, चलते चलते बाइट देना और उनके स्वभाव में था, मतलब एक तरह से एक सहज इंसान। उनका जब काफिला चलता था कोई तामझाम नहीं होता था, एक सिंपल पायलट गाड़ी और उसके बाद शीला दीक्षित की गाड़ी, हमने वो तस्वीर भी देखी है, हमने घर पर जब वो बैठती थी बुलाती थी मीडिया कर्मियों को, साथ में खाना खाती थी, हर साल घर पर होली का आयोजन होता था, वो खुद होली में शामिल होती थी, संदीप दीक्षित शामिल होते थे, तो जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था वो बेहद, जब मैंने भी जी बिल्कुल ब्रह्म जो आप बता रहे हैं, बहुत ही लोकतांत्रिक व्यवहार, बहुत ही सौम्य स्वभाव वाली उनकी छवि, और बहुत ही समर्पण भाव से काम करती रहीं शीला दीक्षित अपने करियर के दौरान। और पयोधी हमारे साथ हैं, पयोधी और कुछ डिटेल्स मिल पाई हैं अचानक से ये सब कैसे हुआ, अस्पताल में कब उन्हें दाखिल कराया गया था? उन्हें सुबह जब दिक्कत हुई, हालांकि 10 दिन वो अस्पताल में रहकर इलाज करवाकर घर लौटी थी, लेकिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। जो डॉक्टर्स ने अब जानकारी दी है उसके मुताबिक ये एक जानकारी है, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। और जैसा कि अभी ब्रह्म प्रकाश दुबे बता रहे थे मीमांसा, आप इसको समझिए कि किस कद की वो नेता हैं, ये पार्टी में
उनका जो उनका वर्चस्व जो रहा है, उनकी जो छवि रही है वो इस तरह से है कि अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो यानी वो फुल एंड फाइनल ही होता है। राहुल गांधी उनकी बात को दरकिनार नहीं कर सकते, प्रियंका गांधी उनकी बात को दरकिनार नहीं कर सकती। और अगर एक महिला होने के नाते भी बात की जाए, हम इसका जिक्र भी पहले कर रहे थे, सोनिया गांधी की बहुत करीबी रही है, वो उनकी बहुत अच्छी मित्र रही है। राहुल गांधी को हमेशा से उन्होंने एक बेटे की तरह से दुलार किया। कहा यह जाता है कि जब भी वो उनसे मिलते थे, हालांकि राहुल गांधी कई बार उनसे डिमांड करते थे उनके हाथ का खाना खाने के लिए, तो इस तरह की बातें भी हम सुनते रहे हैं और देखते भी रहे हैं। हालांकि अभी क्योंकि हम बात कर रहे थे संगठनात्मक तौर पर किस तरह से, आप सोचिए मीमांसा कि अभी भी वो इतनी ज्यादा फुर्तीली थी कि वो हर एक मीटिंग में शामिल हुआ करती थी, नई जिम्मेदारी को उन्होंने हाथों हाथ लिया और वो बिल्कुल पीछे नहीं हटी। क्योंकि पीसी चाको ने हाल ही में अभी ये कह दिया था इस मीटिंग में शीला दीक्षित को, जब वो 10 दिन अस्पताल में रहकर आई थी, कि अब आप आराम कीजिए, अब आप काम करने की जरूरत नहीं है। और उसी के बाद जो पूरी गुटबाजी है वो देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी वो अडिग रही, वो अपने स्टेटमेंट पे अपने डिसीजन से कभी नहीं पलटती थी, उनकी खासियत ये थी। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं जैसा कि अभी कह भी रही थी मीमांसा कि राहुल गांधी भी उनके किसी डिसीजन को पलटने का नहीं सोचते थे, वो उस पर विचार करते थे और अभी भी जो पार्टी पे उनकी पकड़ थी। और यही कारण है कांग्रेस इस वक्त देश में कहां पर है ये हम सब जानते हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस भी ये समझती है कि शीला दीक्षित एक वो फैक्टर है दिल्ली में जो कम से कम एक संगठन को मजबूती के साथ साथ और कांग्रेस पार्टी की जो छवि है लोगों के बीच में उसे डैमेज कंट्रोल के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन, एक विकल्प और एक कद्दावर नेता के तौर पर कांग्रेस के पास थी। लेकिन ये ऐसे समय पर बहुत बड़ी क्षति से कहा जाएगा कि जब शीला दीक्षित को लेकर कई उम्मीदें लोगों ने इसलिए भी लगा रखी थी क्योंकि कुछ और नहीं तो एक परिपक्व नेता के तौर पर वो दिल्ली को समझती हैं, लोगों की नब्ज को समझती हैं, वो जानती हैं कि दिल्ली का वोटर किस तरह से किन चीजों को लेकर वोट करता है, क्योंकि तमाम ऐसे काम हैं जो उनके नाम से अब जाने जाएंगे दिल्ली में जिनकी शुरुआत उन्होंने की थी। इसी को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी थे राहुल गांधी कि अगर वो कोई सक्रिय रोल नहीं निभाती हैं तो कम से कम एक कद्दावर नेता बैठे हैं पार्टी में जिसको लेकर उनके दिशा निर्देश, उनके जो सुझाव हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे पार्टी में। और दूसरी बात ये भी है मीमांसा, इसको ऐसे समझिए कि जब सोनिया गांधी से उनके लगाव की बात आती है, राजीव गांधी के निधन के समय पर कहा जाता है कि शीला दीक्षित एक ऐसी महिला, एक ऐसी मित्र थी जो सोनिया गांधी के साथ एक बैकबोन की तरह मजबूत खड़ी रही, कहें जी कि महिला और एक कहते हैं कि उस समय में एक महिला का दर्द समझ सकती है। और इसका कई बार जिक्र भी सोनिया गांधी ने किया है कि कैसे शीला दीक्षित ने उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें संभाला, उनके परिवार को संभाला। जी जाहिर तौर पर नेहरू गांधी परिवार के बहुत ही करीबी मानी जाती रही शीला दीक्षित, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं गांधी परिवार के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति है। और विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कुछ और अपडेट मिल पा रहा है? एस्कॉर्ट्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, अब उनके पार्थिव शरीर को घर कब लाया जा रहा है, कौन कौन से नेता हैं जो वहां पर पहुंच चुके हैं, अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है, कहां पर होगा, कब होगा? देखिए अभी फिलहाल एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में शीला दीक्षित का पार्थिव शव वहां पर मौजूद है और वहां से निजामुद्दीन में जहां पर शीला दीक्षित का आवास है वहां पर लेकर आया जाएगा शीला दीक्षित के पार्थिव शव को। और वहां पर कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है, राष्ट्रपति जी बहुत दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के। शीला जी मेरे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनसे जब भी मिलती थी तो बहुत खुशी से प्यार से मुझे हग करती थी, और उन्होंने जो दिल्ली के लिए किया, जो देश के लिए किया, वो पूरा देश याद रखेगा दिल्ली के विकास के लिए। कितनी बड़ी क्षति है ये? जी कितनी बड़ी क्षति है ये राजनीतिक कांग्रेस के लिए, कितनी बड़ी क्षति है ये? बहुत बड़ी। शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की, और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश के की राजनीति के लिए और खास तौर से दिल्ली के लिए तो देश याद रखेगा। जी आपने जो मांगे सरकार के पास रखी अगर नहीं पूरी हो, बातें सुबह हो गई हैं, जरा थोड़ा हट जाए तो मैं पीछे मिल लूंगा। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे जो कि आज सोनभद्र में आप देख रहे थे कि उस मामले को लेकर उन्होंने वहां पर वो धरने पर बैठी हुई थीं काफी देर से, और उसके बाद आज अब उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम भी है वाराणसी से होते हुए, और उन्होंने भी बताया कि ये
पूरे दिल्ली शहर के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही नुकसान की खबर है ये अचानक से इस तरह से शीला दीक्षित का चला जाना। और देश के दिल दिल्ली की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, समझती थी शीला दीक्षित, और आने वाले विधानसभा चुनावों में जो उनको ये जिम्मेदारी मिली थी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, भले ही वो बीमार चल रही थी लेकिन फिर भी बहुत ही सक्रिय रूप से काम करने में लगी हुई थी। और जब पीसी चाकू ने हाल ही में जो जिम्मेदारी है तीन कार्यकारी अध्यक्षों को सौंपी तो इस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि कुछ चिट्ठियां थी जिनका जवाब उन्होंने नहीं दिया था और इसी बात को लेकर पीसी चाकू ने शिकायत की थी। लेकिन चूंकि उनकी तबीयत कुछ नाजाज चल रही थी, कई दिनों से अस्पतालों के चक्कर वो काट रही थी, इस वजह से कुछ ढिलाई हो रही थी, लेकिन लगातार समर्पण भाव से वो काम करती रही। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ अश्विनी गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आप इस वक्त क्या जानकारी साझा करेंगे दर्शकों के साथ? बिल्कुल, देखिए मीमांसा, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शीला दीक्षित लगातार इस समय सक्रिय थी, और हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं था कि वो सक्रिय राजनीति में हिस्से नहीं ले थी। अभी कुछ वक्त पहले ही एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था और लगातार तमाम जो मीटिंग्स थी वो भी ले रही थी। अब जैसा कि आपने बताया कि अभी कुछ वक्त पहले कुछ एमएलएज ने भी एक चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो शीला दीक्षित जिस तरह से बीमार चल रही है, जिस तरह से अस्पताल में है, उससे वो लोग खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है उसमें उसके ऊपर सवाल उठाए थे, लेकिन शीला दीक्षित लगातार अडिग थी और लगातार जो कामकाज है दिल्ली कांग्रेस का उसको ले रही थी, तमाम बड़े फैसले कर रही थी। अभी हाल ही में उन्होंने एक आदेश जारी किया था, इसमें उन्होंने जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनकी जो जिम्मेदारी है उसको दोबारा से तय किया था, तो लगातार फैसले ले रही थी। हालांकि पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस में, दिल्ली कांग्रेस में कुछ अनबन जरूर चल रही थी, उनके नेतृत्व के ऊपर कुछ सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन शीला दीक्षित जो है वो लगातार लगी हुई थी। और एक जो उनके करीबी है वो ये बताते हैं कि कांग्रेस को एक बार फिर से वापसी करवाने की बहुत ज्यादा उनमें चाहत थी, और इसी वजह से जब पिछले चुनाव में जब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के लगातार बातचीत हो रही थी, लगातार ये दबाव तमाम नेता बना रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन शीला दीक्षित वो अकेली लेडी थी जिनको विश्वास था कि कांग्रेस दोबारा से वापसी करेगी विधानसभा में, और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये गठबंधन जो है वो ठीक नहीं होगा। तो उनकी जो नजर थी वो लगातार राजनीति पर बनी हुई थी, लगातार एक्टिव थी, और इस एक्टिव राजनीति में रहते हुए इस तरह की खबर आना ये वाकई में जी बिल्कुल बहुत ही अचंभित करने वाला है, क्योंकि वो अस्पताल जरूर गई थी कुछ दिन पहले, उसके बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गई थी, लेकिन आज ये विशाल अचानक से ये दिल का दौरा पड़ा। सुबह उनकी तबियत बिगड़ी थी जब उसके बाद एस्कॉर्ट्स अस्पताल उन्हें ले जाया गया और वहां पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई, ये जानकारी मिल रही है डॉक्टरों के जरिए। बिल्कुल, दिल का दौरा पड़ने की वजह से शीला दीक्षित का निधन हुआ है। सुबह भी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, और अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर दिल का दौरा पड़ा और तब जाकर उनका निधन हुआ। और अगर आप देखिए शीला दीक्षित 81 साल की उम्र में, इस उम्र में भी वो लगातार राजनीति में सक्रिय रही, चाहे कोई भी चुनाव हो शीला दीक्षित एक एक चीज पर पैनी निगाह रखती थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की है, उसमें पीएम मोदी ने भी यह लिखा है कि शीला दीक्षित को विकास का क्रेडिट है। और अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में विकास की आधारशिला रखने का श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा तो वो शीला दीक्षित को दिया जाएगा, चाहे दिल्ली मेट्रो की बात की जाए, चाहे बारापुला जैसे सड़कों की बात की जाए, तो शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास की जो रूपरेखा तय की थी, आज जो दिल्ली दिखाई पड़ती है उसमें शीला दीक्षित का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कांग्रेस पार्टी को समय समय पर, आप ये कह सकते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी को एक सख्त लीडरशिप की जरूरत होती थी या कहीं कई बड़े चीजों पर उन्हें लगाना होता तो शीला दीक्षित उसमें हमेशा आगे रहती थी। इससे पहले आप देखिए यूपी के विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित को चेहरा बनाया गया था, हालांकि तब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, फिर उन्हें वापस जाना पड़ा। कन्नौज से पहली बार सांसद चुनकर आई शीला दीक्षित, संसदीय कार्य राज्य मंत्री रह चुकी हैं केंद्र सरकार में, 15 साल यहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको केरल का राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन जैसे ही केंद्र में सत्ता बदली शीला दीक्षित ने खुद ब खुद राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था,
वापस आ गई थी। तो शीला दीक्षित अपने कामकाज के लिए भी जानी जाती हैं, अपने संबंधों के लिए भी जानी जाती हैं कि राजनीतिक जो संबंध होते हैं उसे किस तरह से निभाया गया इस दौरान। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए शीला दीक्षित का जाना भारतीय राजनीति दिल्ली का चेहरा बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान, और इस योगदान के बारे में बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में भी। उन्होंने लिखा है, डीपली सैडन्ड बाय द डिमाइस ऑफ शीला दीक्षित जी, शी मेड अ नोटवर्दी कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिल्लीज डेवलपमेंट, कॉन्डोलेंसेस टू हर फैमिली एंड सपोर्टर्स, ओम शांति।